तुम कितनी पास हो और फिर भी कितनी दूर। पता है कल मैं तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ रही थी, और वो भी तीसरी बार, जो तुमने पिछले महीने लिखी थी। तुम्हारी चिट्ठी में लिखी हुई शायरी और तुम्हारी मोहब्बत के अफसाने, हे भगवान, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के ऐसा लगता है जैसे ये हमारी दोनों की नहीं, किसी फिल्म की कहानी हो। अच्छा, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारा घर समुंदर के पास है और वहाँ बहुत बारिश होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। एक बार शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। इन बारिश की बूंदों में एक अजीब सी महक आती है एक बार, जैसे इनमें लोगों के अरमान घुले हों। यार आखिर रोना तो ना जला रखे, कोई चज का गाना दे यार। इट्स माई फेवरेट सॉन्ग, सुनना है तो सुनो, अदरवाइज कान बंद कर लो अपने। एक गाना दो मिनट और चलता रहा ना, मैं सच्ची रोन लग जाना। वैसे भी कहना मेरे नाल बह के तुसी कॉमेडी शो करते हो, तुसी घर जाके सुन लियो अपना, घरे बह के मैनू मेरा रोना धोना सुन लैन दो। यार कदे तो मेरी गल मान लिया कर यार, पार्टी तो आया, भोग तो थोड़ा आया। यार तुसी नहीं मैनू समझ सकते हो, हमेशा मेरी गलती हुंदी है। मैं ना सिर्फ छोटी जी गाना चेंज करने की गल की है, सही या गलत की तो मैं गल ही नहीं की। इकबाल की हाल है? कर्ण मैनू हुणे मिल ना सकदा यार। हुणे इन्नी की एमरजेंसी पैगी? तू ज्यादा सवाल जे ना पुछ। वो आ तां मैं जानना, होया की है? तैनू मिल के दसदा। मैं पोर्ट रोड वाली बीच ते बैठा, निधि मेरे नाल है ते मैनू घरे छड्ड के हुणे आंदा तेरे कोल। चल जल्दी आ यार, इस तो पहला कि बहुत देर हो। तू बुझाता जी ना पा, होया की है, तू ठीक है? होया कुछ नहीं, तू जल्दी आ यार, बस छेती आ। बस ठीक है, हुण जाके आवारा अपने शराबी दोस्तों नाल बह जाओ, जदों ओह जाने शराब नाल टुन हो के आंदे हो। मैं सोचा सी घर जावांगे, घर बह के गल्लां करांगे। यार वो आवाज़ तो बहुत अफसर लग रहा सी, नाले कोई जरूरी काम होना ता ही फोन किया उन्हें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਧੀ ਯਾਰ ਊਂ ਹੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈ, ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ थैंक्स, ते उत्थे ना ज़्यादा बैके ड्रिंक ना करियो, छेती कर मुड़ायो। अच्छा बाबा, जावा हूँ मैं। ओके बाय। हाँ इकबाल, हुण दस की मसला है? किसे बुद्धिजीवी ने कहा सी कि कुछ लोग अखां मीच के ब्याह कराउंदे ने ते ब्याह टुटण ते ही अखां खोलदे ने। किसे बुद्धिजीवी ने ते ये भी कहा सी ब्याह मूर्खी कराउंदे ने। तैनूं पता करना, ये दुनिया ते जिन्नियां भी लड़ाइयां हुई ना, उहदे चों अद्ध तों ज़्यादा लड़ाइयां औरतां करके हुई। इतिहास तो कुछ होर ही दसदा भाई, मोस्टली लड़ाइयां तो मर्दां करके हुई। हाँ, क्योंकि औरतां कमजोर हुंदियां ने शरीरक पक्षों ते मानसिक पक्षों, ते इसे मानसिक कमजोरी करके वो आपदी जिंदगी नूं भी नरक बना के रखदियां ने, ते अपने आस पास दे लोकां दी जिंदगी नूं भी। तैनूं पता है औरत थोड़े जिहे प्यार दे बदले अपना घर बार माँ बाप भैन भरा सब कुछ छड़ के सारी जिंदगी थोड़े लेखे ला देंदियां ने। जे इस दुनिया च थोड़ी बहुत सुख शांति बची है ना, सिर्फ इन्हां औरतां करके बची है, नहीं तो तेरे मेरे वर्गियां दे लड़ लड़ के दुनिया खत्म कर देनी सी। सब दे अपने अपने ख्याल, अपनी अपनी थ्योरी, दुबी तां जे साला साह ना आया।
पर मसला की है, मैंने उत्थे केड़ी थ्योरी सोल्व करने वास्ते बुलाया यार। भांडा भरदा भरदा अज इन्ना भर गया कि साढ़े दोहां दे सबर दा बन टुट गया। नित दे झगड़े, नित दियां लड़ाइयां, मैं तंग आया पिया सी यार। हुण की होया यार? मैनू व्याह तो पहलां लगदा सी कि मैं ते रुशी सिर्फ एक दूजे लई बणिया। मैनू लगदा सी मैं उहनू जिंदगी दी हर खुशी दूंगा, उहदे सारे सुपनिआं नू पूरा करूंगा। उहनू खुशी देना तां दूर दी गल, उहदे सुपनिआं नू पूरा करना भी एक सुपना बन के रह गया। यार मैं हार्ड वर्क करदा, दिन रात एक करके पैसे कमाउणा तां कि उहनू चंगी लाइफ दे सकां, पर उहनू तां हमेशा मेरे च कमियां ही दसदियां। सुणिआ सी भी जनानियां दी मत गिच्ची पिछे हुंदी है, सुणिआ तां सी, पर अज देख भी लिया जनानियां नाल मत्था मारन नालों ना बंदा किसे कंधे टक्कर मार लवे, वह भी सही जवाब दे दो। पर इन्हां दे गल खाने च पाउणी बहुत औखी है, बहुत औखी। कोई समां सी जो साड़ी कही हर गल नूं इस डायरी विच लिख लैंदी सी ते कल्ली बह के पढ़दी रहिंदी सी, ते अज मेरी कही हर गल उहनूं सूली वांगू चुभदी है। असीं उदों एक दूजे तों भावें बहुत दूर सी पर एक दूजे नाल दिलों बहुत जुड़े हुए सी। बस यही जिंदगी है मेरे दोस्त। कदे कदे थानू खुद नू पता नहीं हुंदा कि तुसी की लभ रहे हो। हर दिन हर पल थानू होर हनेरे वल जांदा। थोड़े सारे सवालों के जवाब थोड़े सामने पे हुंदे पर थानू कुछ नज़र नहीं आता। इकबाल तू असल मुद्दे ते आ, ते ये दस भी गल की है। यार मेरे एक कुलीग आ रूमी, असी इको प्रोजेक्ट ते काम कर रहे हैं, काम दे सिलसिले साड़ी अक्सर ही मुलाकात हुंदी रहिंदी है। कल रूमी मैनू घरे ड्रॉप करन आई ते रूशी ने सानू दोहां नू देख लिया, एवी शक कर करके नाले आपदा दिमाग खराब किया नाले मेरा किया। यार तू दस, मैं लू चल फंगा यार, मैं इन्हां चीज़ां नूं वेला बैठा। रूशी नूं लगदा मेरा उहदे नाल अफेयर आ, इहदे करके मेरे नाल लड़दी रहिंदी है कि मैं शराब पीना, लेट घरे आउणा, ताने मेणे मारदी रहिंदी है। कभी कभी हम किसी एक रिश्ते को निभाने के लिए बाकी रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हमें इस चीज़ का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे मैंने 8 साल पहले इनसे शादी करवाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबको होती हैं, मुझे भी हैं, लेकिन किसी को दिखती नहीं क्योंकि मैं एक औरत हूँ। और हम औरतों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हारे होने वाले ससुराल, होने वाला पति, पति का खाना, पति की इज्जत और पति के सामने ऊंची आवाज में बात ना करना वगैरह वगैरह। लेकिन जग में खोने वाले तो आसानी से मिल भी जाते हैं, पर जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए उन्हें कैसे ढूंढा जाए? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठे क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। निबाह का तुम्हें याद हो के नया याद हो वो जो हम।
हाँ रूमी, वो यार मैं तेरे प्रोजेक्ट बारे सोच रहा सी, आपां नूं उहदे विच कुछ होर करैक्शनस करनियां पैणगियां। हाँ तू मैनूं मेल कर दे, एक सैकेंड रुचि नूं दो मिनट बंद कर ला प्लीज़, दिखता नहीं मैं फोन ते हाँ। हाँ सॉरी यार, थोड़ी जी इत्थे डिस्टर्बेंस आ रही सी। हाँ कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके बाय। आर यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड, कैन यू सी हिम ऑन द फोन? इसे को हमारे घर बार बार फोन करना बंद करे। व्हाट यू मीन? यार मेरी कुलीग है, कोई काम दी गल भी करनी हुंदी है। वो मुझे मालूम है इकबाल, तुम दोनों की बात से साफ पता चलता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। यार व्हाट्स रॉन्ग विद यू, एतबार नहीं मेरे ते? जे साडे विच कुछ हुंदा ना मैं सारे दे सामने करदा, मैनू किसे दा डर मारिया? वो तो मुझे मालूम है इकबाल, रात रात भर तुम घर से गायब रहते हो, मुझे पता है तुम काम पे नहीं जाते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम किसी के पास जाते हो, लेकिन जो भी करते हो जहां भी जाते हो उससे तुम्हें खुशी मिलती है। पर मेरी खुशियों का क्या इकबाल, कभी पूछा भी है तुमने कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं भी या नहीं? यार तेरा दिमाग खराब है, जिन्ना फजूल गल्लां ते टाइम वेस्ट कर दिया ना, आपदे काम वल ध्यान दिला कर। यू नो व्हाट इकबाल, ये जो तुम शादी से पहले ये जो प्यार दिखाते थे ना, वो सब ड्रामा था, सब फिजूल था। तुमने मेरे साथ सच में धोखा किया है। सच कहती थी मेरी माँ मुझे तुम पे इतबार करना ही नहीं चाहिए था। शट अप ऋषि, बहुत हो गया हुण। मैंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ना तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, और ना ही तुम्हारा मेरे से कोई लगाव है। जब दिल करता है घर से बाहर चले जाते हो, जब दिल करता है घर आ जाते हो, और ये शराब पीना और लड़कियों से बातें करना। हाय ओ मेरे रब्बा, तेरे माँ बाप ने तुम्हें शक ते लड़ाई तो बिना होर कुछ नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप पे मत जाना इकबाल। ना होर गुआंढियों बारे बोला। मुझे शट अप इकबाल। यू शट अप। इस तरह साढ़े विचकार फासला इन्ना बढ़ गया कि वह मैनू हमेशा लिए छड़ के चली गई। छड़ के चली गई? तू रोकिया नहीं उसनू? असल च यार असी एक दूजे नूं समझ ही नहीं पाई। नहीं इकबाल, तू जिंदगी दे असल सच नूं समझ ही नहीं पाया। सच? केड़ा सच नहीं समझा मैं? देख यारा, गुस्सा, लड़ाई, नाराजगी, शिकायतां यह हर एक रिश्ते च हुंदियां ने, पर आपां ना इन्हां नूं बैठ के सोल्व कर सकते हैं। मैनूं लगदा तू उसनूं फॉर ग्रांटेड लिया होया सी। कदे उस वल ध्यान दे के देखदा, उसनूं समझ के देखदा। इकबाल हसबैंड वाइफ का जो रिश्ता होंदा ना, वह स्कूटर के दो पहियों वांगू होंदा है। जो उन्हां विचों एक भी पेंचर हो जाए ना, जिंदगी का सफर कटना मुश्किल हो जाता। इकबाल घर च दो भांडे होंदे ना, वह खड़कते ही होंदे। आपां जिंदगी की किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाइए, किन्नी भी दूर निकल जाइए, आखिरकार आपां नूं घर मुड़ना ही पैंदा, क्योंकि उही साड़ी असल थार हुंदी। घर ही एक ऐसी जगह है जिथे आपां नूं असल सुकून मिलता है। इहनूं स्वर्ग जां नरक बनाना यह अपने हाथ च है। एक होर पति दी गल दसां, Yeah.
सॉरी यार, टाइम लग गया। अच्छा बाबा, अगे तो नहीं होंदा लेट यार, हुण अंदर तां दो जनाब। ना हुण इत्थे पैरी हथ लावा। मैं तो भुल ही गया सी यार, इन्नी इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन है कल नूं मेरी, गालां पैणगियां। गालां वाले काम तो आप कर दिओ तुसी, की लोड़ सी उहदे कोल जाण दी? लोकां दीआं प्रॉब्लम सॉल्व करदे फिर दिओ, अपनी अगे कट ने। गल प्रॉब्लम दी नहीं है, कोई इंपोर्टेंट एडवाइस चाहिए सी उहनूं, पता ही नहीं लग्या गल्लां गल्लां च कदे इन्ना टाइम लग गया। इन्नी की एमरजेंसी सी उहनूं, नाले ना एवें राजा हरीशचंद्र ना बनिया करो, जिहड़ी गल करनी मेरे नाल करो। कोई जरूरी काम सी उसनू। चल कोई नहीं, तैनू मैं बाद च दसूंगा, छड्ड हुण मैं थकिया होया। आहो, मेरे नाल करन वेले सारी गल्लां मुक जांदियां तुहाडियां। ओह माई गॉड, आ देखो जैसमी ने की कीता है। अच्छा, सोहनी फोटो आई है यार। अच्छा, ओदी हिम्मत किवें हुई मेरे हसबैंड नाल फोटो पाउण दी? यार तेरी फ्रेंड ही तां है, फिर की हो गया? नो, शी इज नॉट माई फ्रेंड, ओ सोफिया दी हाउसमेट है। नाले नाले मैरिड बंदे नाल फोटो पाउण दा की मतलब बनदा है? नाले कित्थे दा रूल है, मैरिड बंदे नाल तुसीं फोटो नहीं पा सकदे, है तां बंदा ही। अच्छा, वैसे लास्ट टाइम मेरे नाल फोटो कदों पाई सी तुसीं, दसो? यार किधर दी गल्लां कित्थे करी जांदी तूं, नाले अपनी इन्नी फोटो तां है नाल, ना मैनूं चंगा नहीं लगदा रोज़ रोज़ फोटो खिचा के फेसबुक ते पाई जाओ। तुसीं ना रहन दो, मेरा मुँह ना खलवाओ, जिहड़ियां फेसबुक ते दो दो आइडिया बनाईआं ना, मैनूं सब पता तुहाडा। यार मैं इन्ना वेला नहीं इन्हां कम्मां लई, चल छड्ड मैं लेट हो रहा, गुड नाइट। अच्छा, मेरी मॉम का बर्थडे है कल, सवेरे फोन करके विश कर दिओ उन्हां नूं। हैलो तुसी? हाँ हाँ, तुसी ते मेरा बर्थडे भी स्पॉयल कर दिता सी सारा। की स्पॉयल करता सीगा? चंगा भला तां सरप्राइज दिता सी। अच्छा, बड़ा सरप्राइज दिता सीगा, कहिंदे तेरा बर्थडे है, नाले ग्रोसरी लैणे आ, नाले केक लैणे, वाह जी वाह। चंगी गल है, याद तां सी ना, नाले वधिया ग्रोसरी भी आ गई, नाले तेरा बर्थडे भी सैलीब्रेट हो गया। आप ही तो रोज़ रोज़ कहिंदी अज ये मुक गया अज वो मुक गया। तुहानूं पता है सोफिया दे हसबैंड ने उहदे लई किन्ना वधिया प्लान कीता सीगा, बाली लैके गया सी उसनूं, केक, कैंडल लाइट डिनर, बुके, पता नहीं की प्लान कीता सीगा। सोफिया नूं तां पता भी नहीं होना कि उहदा बर्थडे हो रहा है। ओ सोहणी वी तां। हैलो, की किया तुसीं? ओ यार, सिरे दे फुकरे ने दोवें, मैं चंगी तरह जानदा उहनां नूं, नाले आ की है सरप्राइज़ देई जाओ अगले नूं, नाले की पता सामने वाला कमज़ोर दिल दा होवे, सरप्राइज़ दे के होर हार्ट अटैक कर दो अगले नूं। यार तुहानूं तां सारे फुकरे लगदे आ, तुहाडी तां चुड़ैल दी फोटो देखो, लुकिंग क्यूट, दस दी मैं जरा इन्हूं। ओ दिमाग खराब है तेरा, हुण अद्धी रात नूं फोन आने लगी, पागल तो नहीं होगी? हैलो, सुन मैं तेरे नाल जरूरी गल करनी है कोई। हाँ सोफिया, असीं पहुँच गए। हाँ जी, ओके, गुड नाइट, बाय। मरवाता सी, बाय द वे, हर नेम इज शमीत। ओ गॉड, यार मैं ही अजे तुहाडे नाल कट्टी जा रही हूँ, होर की हुंदी ना, कदों दी छड़ के गई हुंदी, फिर आउंदी तुहाडी सुरत टिकाने। मेरी एड्डी किस्मत कित्थे है। अच्छा हुण ना तुसीं उहनूं ही लै आयो ते मैं जाणी आ, जाओ जिथे मर्जी धक्के खाओ, जिदे नाल मर्जी ब्याह कराओ, मैं चली हाँ। वो तू जा यार, तू ड्राइव करके जाओगी या उबर कॉल करा? गो टू हेल, आई एम गोइंग, हुण ना मेरे पीछे पीछे ना आयो। तुसी की सोचते हो, चली गई? मैनू भी यही लगता है, पर दूसरे रूम च सौण, इस तो पहले सच्ची चली जाए, मैं जाना उन्हें मना, जो थोड़ा पार्टनर भी थोड़े रुस्से हो ना, जिन्ना छेती हो मना लो, क्योंकि बंदा ता ही रुसदा जब उसको प्यार की कमी महसूस होती है। एक कम की गल हो दसा, जे थोड़ी घरवाली थोड़े तो गुस्से है ना, तो उसके पैर ही हाथ ला के माफ़ी मंग लेनी चाहिए है, क्योंकि किसी को की पता भी थोड़े घर की चार दीवारी के अंदर की हो रहा।